हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग के साथ साथ एक ऐसे प्रोडक्ट, इतने कॉमन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, मगर उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इतने मिथ, इतने डाउट्स होते हैं। थर्मोस्टील मिल्टन की हो चाहे किसी और कंपनी की हो, ये हम जब परचेज़ करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी डाउट्स हैं जो आपके अंदर अभी होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में थर्मोस्टील ज़रूर होगी। काफ़ी लोगों का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है थर्मोस्टील बॉटल में हॉट एंड कोल्ड नहीं रह रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो आज ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगी ये। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर प्रॉपर रिव्यू देते हैं आपको। स्टार्टिंग में पहले हम आपको ग्लासी मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। जो मिल्टन की थर्मोस्टील ग्लासी 1 लीटर कैपेसिटी में आती है, ये ग्लासी बॉटल जो है ये मिल्टन मेंशन करके देता है 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड। उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, ये ग्लासी बॉटल 1 लीटर कैपेसिटी में आती है, हाफ कट इसमें आपको कवर मिलेगा। इजीली कवर को रिमूव करते हैं, कवर को रखते हैं साइड में। ये प्रॉपर बॉटल आपको रिव्यू करता हूँ। स्टार्टिंग में कभी भी आप अपनी बॉटल ये परचेज कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इस बॉटल का सबसे पहले बेस देख लीजिए। इसका बेस जब देखेंगे तो उसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी ये हैमर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर बॉटल आपकी कहीं से भी दबी हुई है, कहीं से भी हैमर्ड है, तो याद रखिए वो बॉटल आपकी ख़राब है। वो जहाँ से भी ली है तुरंत आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, अगर आपने वाटर यूज़ नहीं किया है इसके अंदर। और पूरी बॉडी एक बार प्रॉपरली, पहले प्रॉपर एक प्रोसीजर समझिए, पहले बॉडी को अप से डाउन तक पूरी देख लीजिए, कहीं से आपकी हैमर्ड ना हो। फिर नीचे से बेस चेक कर लीजिए कि कहीं से भी ये भी हैमर्ड ना हो। अगर ऐसी चीज़ है तो आपकी थर्मोस्टील बॉटल प्रॉपरली वर्क करेगी, 1 साल की वारंटी मिलेगी। 1 साल की वारंटी भी तभी मिलती है जब आपकी बॉटल कहीं से भी हैमर्ड ना हो। अगर बॉटल आपकी हैमर्ड हो रही है तो आपको गारंटी वारंटी नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन की बात तो नहीं कर सकते, बट अगर ऑफलाइन अगर आप इस बॉटल को परचेज कर रहे हैं तो ये चीज़ एश्योर मान के चलिए कि मिल्टन आपको सर्विस देगा। और ये वाली जो ग्लासी मॉडल होता है उसका पर्पज़ ये होता है कि ये एज ए कप का काम करता है, और ये डबल लिड में आता है। ये इसका प्रॉपर कप दिया हुआ है, ये फ्लिप लिड होती है। एक इसका जनरल मॉडल हर किसी के घर में होगा जिसमें प्रॉपर फ्लिप लिड होती है, इसके ऊपर एक नॉर्मल कैप होती है। तो दोनों सेम ही मॉडल्स हैं, सिर्फ ग्लासी में एक ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया उन्होंने कि इसमें आप इजीली अपने कॉफ़ी या कोई भी चीज़ अगर यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो लिड होती है ये एक तरीके से एक्रेलिक की होती है, अनब्रेकेबल तो नहीं कह सकते बट हाँ ये है, नियर अबाउट अनब्रेकेबल होती है ये। साथ ही साथ हॉट एंड कोल्ड का डायरेक्ट ये समझ के चलिए, काफ़ी लोग को ये मिथ होता है कि ये लिड की वजह से हॉट एंड कोल्ड रह रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लिड की वजह से हॉट एंड कोल्ड नहीं होता है। कोई भी थर्मोस्टील बॉटल आप लेते हैं, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, जैसे कंपनी बहुत क्लियरली मेंशन करके देती है, ये आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये 2 लेयर्स होती हैं इसमें, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। जो इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में से जितना भी एयर होते हैं उसको वैक्यूम कर लिया जाता है और सील कर दिया जाता है। वैक्यूम होने की वजह से इसमें हॉट एंड कोल्ड, जो अंदर टेम्परेचर, जैसे अंदर अगर आप हॉट रख रहे हैं और तो ये समझ के चलिए बाहर कोई भी टेम्परेचर होगा इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक वैक्यूम है। तो वैक्यूम तभी डिस्टर्ब होता है जब इसकी बॉडी हैमर्ड होती है। कोई भी थर्मोस्टील की बॉटल लीजिए, ये चीज़ आपका ध्यान रखिएगा परचेज करते टाइम पे। किसी भी ब्रांड की आप लेते हैं, जनरली तो ये है कि जो इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं वो मिल्टन सेलो हो सकते हैं, बाकी XYZ अगर आपको जो भी अगर थोड़ा चेंज करना है कोई और ब्रांड आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ये ब्रांड में आपको इस टाइप की बॉटल्स मिलेगी। जनरली क्या डिफरेंस है इन दो बॉटल्स में वो बता देता हूं। इसको ज़रा साइड में रखते हैं। जो ये वाली बॉटल होती है ये जनरली डीओ एपेक्स के नाम से आती है। ये वाली बॉटल का प्राइस इस बॉटल से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। उसका रीज़न क्या होता है आपको अभी क्लियरली मेंशन करता हूँ और बताता हूँ, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं आपको। हाँ, इसकी MRP आपको 1200 है, इसकी MRP आपको है मेरे ख्याल से 1040 है। तो इन दोनों की MRP में इतना डिफरेंस क्यों है? कारण ये है कि इसका जो बेस होता है, ये देखिए इसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू इसके बेस की वजह से। तो हॉट एंड कोल्ड अगर आपको रखना है, और बॉटल की इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती होगी कंपनी की, तो ये थर्मोस होता है, बॉटल होती है। बॉटल कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉस्टलियर होती है एज़ कम्पेयर टू ये।
हाँ, मैंने मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर ये जरा सी भी दब जाती है तो इसमें हॉट एंड कोल्ड नहीं रहता है। हाँ, इसका हॉट एंड कोल्ड थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मस। तो ये दोनों हैं, ये डीओ मॉडल होता है, ये जनरली हाफ लीटर से लेके 1 लीटर के बीच में ऐसा आता है। और इसके अगर 1500 ml या 1800 ml लेते हैं तो वो विद कवर आएगी आपकी, और ये तो आपकी 500, 750 ml और 1 लीटर कैपेसिटी में आती है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी भी आप थर्मोसील परचेज करते हैं तो ये चीज़ माइंड में रखेंगे तो आपका जितना भी आप इसमें कॉस्ट लगाएंगे तो वो आपका एक सही जगह लगेगा, सही प्रोडक्ट में लगेगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।